अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। वो हमारा क्लास थर्ड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 5 है, शेप्स एंड डिज़ाइंस। तो आज हम जो अपना लेक्चर है इसमें एक तो रिकैप करने जा रहे हैं जो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, और उसके जो क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आंसर्स हैं, वो भी बताएंगे। कल एक हमने क्वेश्चन ये किया था कि क्लाउन दिया गया है, इसमें आपको कलर करना था, जो ट्राइंगल्स हैं उनको रेड करना था, जो स्क्वायर्स हैं येलो कलर, और जो रेक्टेंगल्स हैं उनको ब्लू, जो सर्कल्स हैं उनको ग्रीन कलर करना था। तो अब जैसा कि यह है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इस तरह इसका आएगा, ठीक है ना। जैसा आप देख रहे हैं कि जो यहाँ रेक्टेंगल जो ट्राइंगल हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये एकदम विजिबल हो रहे हैं क्योंकि इनको हमने एक अलग पहचान दी, अलग कलर किया। और इसी तरह जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं उनको ब्लू कलर किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और जो स्क्वायर हैं उनको येलो कलर है, 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं, और जो सर्कल्स हैं उनको ग्रीन कलर किया है। तो ये आपने देखा, तो आई होप कि आपने भी ऐसे ही किया होगा। तो अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, जो है पेज 62 है। तो इसमें ये था कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स में कितने ट्राइंगल्स हैं वो हमें देखना था। तो इस एतबार से हमने आपको रात बताया भी था कि कितने हैं इसमें से, तो 12 हैं इस वाली में, और इस वाली में 14, और इस वाली में 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे जो फिगर दी गई है, ठीक है, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेक्टेंगल बिगर है, यानी बड़ा है, बिगेस्ट है, यानी बिगर जो दो ही हों रेक्टेंगल तब बिगर आएगा। यहाँ बहुत सी रेक्टेंगल्स हैं, जिसकी बिगेस्ट सबसे बड़ा है इनमें से कौन सा है। तो एक किया है टेक्स्ट पे ही, अब नेक्स्ट जो है इनमें से हमने देखना है। जैसे आपको कल दिखाया भी था, आपने किया भी होगा, तो फिर हम देख लेते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये बिगेस्ट है इस फिगर में, और इस फिगर में ये वाला बिगेस्ट है, दूसरे इससे छोटे थे, और इस फिगर में यहाँ ये वाला बिगेस्ट है, और इसमें ये वाला बिगेस्ट है। और इसी तरह अब पेज नंबर 63 हमारा, ये आज का हमारा टॉप ये है, एज एंड कॉर्नर। एज किसे कहते हैं और कॉर्नर कैसे, यानी एज कनारा और कॉर्नर जो है वो इसके कोने हैं, ठीक है। मीटा एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम, मीटा और उसके जो 5 दोस्त थे वो एक गेम खेल रहे थे, जो टिंकू था उसको ब्लाइंड फोल्ड किया था, यानी उसकी आंखों पे पट्टी बांधी थी, और उसको कहा था कि तुम्हें क्या क्लैपिंग करनी है, तब तक तालियां बजानी हैं जहाँ जब तक वो चाहे। और जो अदर्स हैं वो टेबल के इर्द गिर्द, यानी जो बाकी 4 फ्रेंड रहेंगे है ना, वो टेबल के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है ना। तो उसी वक़्त, फिर उस वक़्त में क्या होगा कि अचानक जो टिंकू है वो क्लैपिंग स्टार्ट कर देगा। तो जो इंसान, जब क्लैपिंग उसकी स्टॉप होगी, तो जो इंसान, जो इनमें से इनके जो फ्रेंड्स थे, जो जहाँ थे वहाँ उनको खड़ा रहना, वहाँ से आगे पीछे होना नहीं है। तो जो वाला बच्चा, जो इनका फ्रेंड कॉर्नर पे नहीं होगा, वो गेम से आउट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो गेम से आउट हो गया, अब उसको ब्लाइंड फोल्ड करना है, अब उसको वही प्रेस करनी है, क्लैपिंग करना है, तो अचानक वो क्लैपिंग उसको अपनी रोकनी है। तो फिर जो वहाँ जहाँ होता है ना, जो जहाँ है उसको वहाँ ही रुकना है, और नेक्स्ट अब उसको जो एज पे होगा, जो कॉर्नर पे नहीं होगा, वो गेम से आउट, यानी वो आउट हो जाएगा, आउट मीनिंग अब नेक्स्ट उसको ब्लाइंड फोल्ड करना है। तो जैसे यहाँ ये शक्ल दी गई है ना, ये छोटू है, गुड्डू है, बंटी है, टिंकू है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये इसको ब्लाइंड फोल्ड किया है टिंकू को, अब ये क्लैपिंग इसने की, जैसे इसने क्लैपिंग की तो ये अब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब इसने अपनी क्लैपिंग को स्टॉप किया, जब इसने स्टॉप किया तो हमें देखना है कि अब इनमें से आउट कौन हो गया,
जो कॉर्नर पे नहीं है, यानी जो इसको जिसने एज पे हाथ नहीं लगाया, एज के करीब नहीं, ये कॉर्नर पे नहीं है, सॉरी एज नहीं, तो इसलिए देख सकते हैं आप कौन है, गुड्डू है, तो गुड्डू इसमें से आउट हो गया है। तो आप ये देखें, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज़ आउट, क्या इस पिक्चर को देख के आप बता सकते हो आउट कौन है, कौन इनमें से आउट हो गया, ज़रा आप देखो खुद ही, जो कॉर्नर पे नहीं है वो आउट है, कौन कॉर्नर पे नहीं है, गुड्डू, तो गुड्डू आउट है, गुड्डू इज़ आउट बिकॉज ही इज़ नॉट स्टैंडिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, वेयर इज़ गुड्डू स्टैंडिंग, तो गुड्डू कॉर्नर पे नहीं है, तो गुड्डू कहाँ स्टैंडिंग है, कहाँ खड़ा है, गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, वो टेबल के एक साइड के दरमियान में है, कॉर्नर पे नहीं है, उसके कोने पे नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड राउंड टेबल, वाई, क्या ये गेम, ये रेक्टेंगल में ये टेबल बना है ना, इसके कोने हैं, कॉर्नर हैं, क्या अगर जो राउंड टेबल होगा तो उसके इर्द गिर्द ये गेम खेली जा सकेगी, सोचें ज़रा आप, हाँ इमेजिन करें कि इसके बदले ये, या आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी आप एक बनाएं शक्ल एक बनाएं अपनी नोटबुक पे, इसको गोल बनाएं और फिर देखें उस गोल का जो है कोई कॉर्नर है, उसका कोना है, जैसे हमने एक जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये देखा भी पढ़ा भी कि जो सर्कल है, सर्कल है नो कॉर्नर, सर्कल का कॉर्नर नहीं होता, तो इसलिए सिंपली बात है कि नो दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज अ राउंड टेबल हैज नो कॉर्नर्स, ठीक है ना, राउंड टेबल के से ये गेम हम नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उसका कोई कॉर्नर नहीं है। तो अब पेज नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 1, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, आप अपने इर्द गिर्द देखो, कुछ चीज़ें देखो जो स्ट्रेट हैं, जिनके एज, जिनके किनारे, और कुछ ऐसे हैं जिनके कर्वों में हैं, ठीक है ना, टीढ़े हैं, तिरछे हैं, तो इसका है, ए बुक एंड अ रीजर इन ए पेज हैव स्ट्रेट एजेस, बुक है, किताब है, या अरीज़र है, या आपके उसमें शार्पनर है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, या मोबाइल ना उसके जो, या पेज यानी कोई वर्क है, तो उसके क्या होते हैं, स्ट्रेट एज होते हैं, और ए सिलेंडर, ए पेन, ए बाउल, या ए कप, ए ग्लास, ठीक है ना, इनका क्या है, कर्व्ड एजेस, उनके जो एज है वो कर्व में है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम फिर क्या है, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर्स, क्या जो स्ट्रेट एज जिनके हैं उनके कॉर्नर हैं, यस थिंग्स विद द स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर, हाँ जिनके स्ट्रेट सीधे एज हैं उनके कॉर्नर हैं, डू द थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स, क्या जो जिनके कर्व हैं एज उनके कॉर्नर हैं, नो थिंग्स विद कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स हैव एज, ठीक है ना, डू नॉट हैव कॉर्नर्स, उनके एजेस जो हैं वो उनके कॉर्नर्स नहीं हैं, ठीक है ना, कर्व्ड एजेस के ये सॉरी यहाँ से है, नो थिंग्स विद कर्व्ड एजेस डू नॉट हैव कॉर्नर्स, ठीक है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है उसका क्या है, कि थिंग्स हैविंग बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, वो चीज़ें जिनके कर्व्ड भी हैं और स्ट्रेट भी एज हैं, क्या क्या, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिक गिटार, बाइसिकल, कार, एरोप्लेन, एट्सेट्रा, ठीक है। आज के लेसन में इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।